हेलो दोस्तों, टैक्स फॉर वेल्थ में स्वागत है आपका। मैं हिमांशु कुमार और आज की फाइनेंशियल न्यूज़ के साथ। तो सबसे पहले बात करें मार्केट की। जैसा कि मार्केट मैंने मॉर्निंग में बताया था, काफ़ी ग्रीन है, ग्रीन ही रहा और जो बंद हुआ निफ्टी 708 पॉइंट ऊपर रहा, सेंसेक्स 2476 पॉइंट ऊपर रह के 30,000 के लेवल को क्रॉस कर गया। यानी आप कह सकते हैं कि एक अच्छी संकेत है, लेकिन क्वेश्चन अभी भी वहीं का वहीं है कि क्या होगा कल। पता नहीं कितना ये जो तेज़ी है कब तक रह पाएगा, ये भी कहना मुश्किल है। और ये अगर तेज़ी बनी रहे तो अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत लंबा अभी चलने वाला तेज़ी नहीं हो सकती, क्योंकि मार्केट के जो साइन हैं, जो सेंटिमेंट है, वो उस तरह से नहीं है कि ग्रोथ को इस लेवल पे सस्टेन कराया जा सकता है। आज कुछ ऐसी सुबह की खबरें थी जिसकी वजह से लग रहा है कि मार्केट ने पॉजिटिव मूवमेंट लिया। खैर, आगे बात करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी अभी कोर्ट ने कहा है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है, अगर कोविड-19 की वजह से किसी का डेथ होता है तो उसके सेटलमेंट को भाग नहीं सकते, यानी आपको सेटलमेंट करना ही पड़ेगा। आप इसको ये नहीं कह सकते कि हम इसको कवर नहीं करते। तो एक अच्छी बात है उनके लिए जिनके घर में इंश्योरेंस था और उनके परिवार में भगवान ना करे किसी भी तरह की हानि हुई है, तो उनको उसका कुछ तो खामियाजा जो इंश्योरेंस कंपनी थी उन्हें देना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उनकी मदद नहीं करेंगे जो आपके कस्टमर थे, तो ये एक अच्छा डिसीजन माना जा सकता है। खैर, अभी नौकरी ने कहा है कि इस महीने में naukri.com जो वेबसाइट है उन्होंने बताया है कि इस महीने 18% से आसपास देखा गया है कि जो हायरिंग थी वो कम रहा एवरेज से। यानी कि जो शुरुआती लक्षण है वो दिख रहे हैं कि मार्केट में जो जॉब के हालात हैं वो बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। इधर ट्रंप जी जो हमारे पुराने तेवर वाले हैं, जो हर बात पे अपने तेवर दिखाने में मास्टर हैं और दुनिया को अपनी तेवर के लिए ही जाने जाते हैं, उन्होंने इंडिया पे भी अपना तेवर दिखाते हुए कहा है कि अगर कोविड-19 से रिलेटेड ड्रग्स को रोका गया तो अच्छा नहीं होगा। अभी उन्हें मुझे लगता है कि इस तरह की बातें ना करके उन्हें एक सौहार्दभाव और सद्भावना की भावना के साथ दूसरे कंट्री के साथ काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आपदा अभी देश पे है नो डाउट उसमें हमारी देश को मदद करनी चाहिए, लेकिन उन्हें भी संयम बरत के बात करनी चाहिए। हर बात में जो वो बचकानी हरकतें करते हैं वो बहुत अच्छी नहीं है। खैर, इधर बात करते हैं कि अगर हम देखें तो एक जो हमारी एजेंसी है उसने कहा है कि जो कोविड पेशेंट हैं, एक पेशेंट 30 दिनों में लगभग 406 लोगों को इम्पैक्ट कर सकता है। यानी कि एक बंदा जो किसी रीजन से पता नहीं चला या बाहर निकल गया या क्वारंटाइन था वो निकल के बाहर चला गया, वो लगभग 406 लोगों को इम्पैक्ट कर सकता है 30 दिनों में। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा चेन है कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 और फिर उसका पूरा चेन रिएक्शन है। तो अगर किसी को भगवान ना करे कि किसी तरह की प्रॉब्लम है, वो घर पे रहे, आराम करे, लोगों से दूर रहे, दूरी बना के रखें, अपने लिए भी, अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवार के लिए, हर के लिए, देश के लिए। इधर 3,70,000 करोड़ के रेसिडेंशियल स्टॉक आइडल पड़े हुए हैं और जो सेंटिमेंट डाउन होता जा रहा है उस तरह से रियल एस्टेट की जो कंपनीज़ हैं वो एक बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रही हैं कि उनके पास इन्वेंट्री खड़ा है, बायर नहीं है, सेंटिमेंट उतने अच्छे नहीं है जो उन्हें चाहिए और जो कि स्टॉक बाई कर सके। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है रियल एस्टेट में जो देखी जा रही है। खैर, कल सुबह देखते हैं कि क्या होगा और किस तरह का मार्केट मूवमेंट लेता है, वो कल ही पता चलेगा। लेकिन उम्मीद करते हैं कि अच्छी शुरुआत हो, अच्छा रहे और अच्छे से आगे जाए, ताकि जो इन्वेस्टर उनके पैसे डूबे नहीं। तो आज के लिए इतना ही। कल सुबह में हम फिर से हाजिर होंगे फाइनेंशियल न्यूज़ के साथ और सारी चीज़ों के लिए आप हमें देख सकते हैं। साथ के साथ एक अच्छी बात यह है कि जियो टी वी पर हमें बहुत अच्छे व्यूअर्स आ रहे हैं, हम उनके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं जो हमें जियो टी वी पर देख रहे हैं। दिल्ली रीजन में ये जियो टी वी अवेलेबल नहीं है, ये केवल मुंबई और महाराष्ट्र में अभी अवेलेबल है। तो वहाँ पे हमने जो रिपोर्ट देखी है उसके अकॉर्डिंगली हमारा वहाँ पे जो व्यूअरशिप है काफ़ी अच्छा है, हम उनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं। ताकि साथ के साथ हम सारे प्रोफेशनल जो भी आप कह सकते हो OTT चैनल है, हम सारे जगह अवेलेबल, आप हमारे वीडियो कहीं भी देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।